कुछ शंकाएं जाहिर की जी जो आज पंजाब के लोगों के दिल में है, क्योंकि उल्टे बांस बरेलू को वो कहावत थी। केजरीवाल साहब पंजाब में ध्यान लगाने के लिए आते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश जा रहे हैं आज, जबकि एक हफ्ता से ज्यादा समय यहाँ पे केजरीवाल साहब पंजाब के होशियारपुर के अंदर विपासना केंद्र में आके ध्यान लगा के गए हैं। ऐसा कौन सा ध्यान भगवंत मान जी आंध्र प्रदेश में जाके लगाना चाहते हैं? क्यों पंजाब का पैसा व्यर्थ कर रहे थे? या उनके कोई राजनीतिक मंत्र थे? क्या वो उंगली उठाना चाहते हैं अपने बॉस के ऊपर कि केजरीवाल साहब यहाँ पे ध्यान करने के लिए नहीं, विपासना करने के नहीं बल्कि एक ही से अपनी जान बचाने के लिए आ रहे थे? अब दूसरा सवाल, आज जबकि केजरीवाल साहब ने ईडी के सामने पेश होना है और जब तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी भी शायद उनको कहीं बिठा भी ना लिया जाए, जिसकी तैयारी केजरीवाल साहब जी कई दिनों से कर रहे हैं, तो आज के दिन भगवंत मान जी का चार दिन के लिए लोगों से हटके वहां पे कोई उनको बात नहीं कर सकता, ये कई बातें लोगों के मन में सवाल पैदा करती हैं, तो मैंने उनसे जवाब मांगा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश नहीं होंगे क्योंकि उन्हें डर है कि केजरीवाल साहब को गिरफ्तार ना कर दिया। एग्जैक्टली, वो इसी डर की वजह से केजरीवाल साहब को गिरफ्तार हो ना हो, इसलिए आज जरूरी था कि जिनके बनाए हुए, जिन्होंने तराश के भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाया, उनके ऊपर आज भीड़ पड़ी है। केजरीवाल साहब को गिरफ्तार होने का अंदेशा था और भगवंत मान जी आंध्र प्रदेश चले गए, ये अंतर क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में, किस किस्म की खींचोतान चल रही है, ये सवाल है। सर, क्या लगता है कि ईडी